नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, बाजार में लैम्डा साइलोथ्रिन दो प्रकार का मिलता है, जिसमें एक होता है 4.9% CS फॉर्म में और दूसरा होता है 5% EC फॉर्म में। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही लैम्डा की प्रतिशत लगभग लगभग बराबर सी होती है, लेकिन फिर भी हर कंपनी इन दोनों लैम्डा को बनाती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो सिजेंटा कंपनी की ही कराटे आती है, जिसमें लैम्डा साइलोथ्रिन 5% EC फॉर्म में होता है, और सिजेंटा कंपनी की ही मेटाडोर आती है, जिसमें लैम्डा साइलोथ्रिन 4.9% CS फॉर्म में होता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि कौन सा लैम्डा साइलोथ्रिन ज़्यादा अच्छा होता है और दोनों को किन किन फसलों में और किस किस परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को भी अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं 5% EC वाले लैम्डा साइलोथ्रिन की। 5% EC वाला लैम्डा साइलोथ्रिन पारदर्शी रंग का होता है और जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो यह घोल को सफ़ेद कर देता है। और किसान भाइयों, EC फॉर्मुलेशन में बने होने के कारण यह सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। यह इतना एक्टिव होता है किसान भाइयों कि यह पानी में लगभग अपने आप ही घुल जाता है। इसको पानी में पूरी तरह घोलने के लिए थोड़ा बहुत ही चलाना पड़ता है। EC फॉर्मुलेशन में होने की वजह से ही किसान भाइयों, यह लैम्डा घोल में नीचे नहीं बैठता है और जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी अपनी फसल में देखने के लिए मिलता है। अब अगर 5% EC वाले लैम्डा की कुछ कमियों की बात करें तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, यह ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से अगर इंसान की त्वचा के संपर्क में आ जाए तो यह त्वचा में जलन पैदा कर देता है। और किसान भाइयों, ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से इसे ज़्यादातर अकेला ही प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह ज़्यादातर दवाओं के साथ रिएक्शन करता है, जिस वजह से कई बार घोल फट जाता है या फिर हमें दवा का रिजल्ट पूरा देखने के लिए नहीं मिलता, रिजल्ट में कुछ कमी आ जाती है। और किसान भाइयों, देखा जाए तो इसमें 4.9% CS वाले लैम्डा की तुलना में गंध भी थोड़ा ज़्यादा होती है। और किसान भाइयों, ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से कई बार जब इसकी ओवरडोज हमारी फसल में लग जाती है तो हमारी फसल में कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस लैम्डा को बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल या इमल्सीफायर का प्रयोग किया जाता है, जिस वजह से यह कुछ हद तक ज्वलनशील भी होता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो जाता है। EC फॉर्मुलेशन की दवाओं की अगर सबसे बड़ी कमी की बात करूं तो किसान भाइयों आप लगातार EC फॉर्मुलेशन की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं तो स्प्रेयर में जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, रबड़ के पार्ट होते हैं, उनको नुकसान मिलता है। आप इसका तजुर्बा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं 4.9% वाले लैम्डा साइलोथ्रिन की। तो किसान भाइयों, यह सफ़ेद गाढ़े तरल रूप में होता है। इस तरल में लैम्डा पॉलीमर की छोटी छोटी कैप्सूल के अंदर होता है। ये कैप्सूल किसान भाइयों इतने छोटे हैं कि जिन्हें आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। हमें यह सिर्फ गाढ़े तरल के रूप में ही दिखता है। जब इसका घोल बनाकर फसल पर छिड़काव किया जाता है तो यह लैम्डा पूरे पत्ते पर फैल जाता है और इन कैप्सूल से लैम्डा धीरे धीरे रिलीज होता है, जिस वजह से इसका रिजल्ट हमें अपनी फसल में लंबे समय तक मिलता रहता है। CS फॉर्मुलेशन में होने की वजह से यह 5% वाले लैम्डा से महंगा होता है। और किसान भाइयों, 4.9% वाले लैम्डा में जो एक्टिव पार्ट्स होते हैं वे फ्री नहीं होते, कैप्सूल्स के अंदर होते हैं। इस वजह से अगर यह प्रयोगकर्ता की त्वचा के संपर्क में भी आ जाए तो त्वचा में किसी तरह की कोई जलन नहीं होती है और ना ही किसान भाइयों इसकी ओवरडोज की वजह से फसल पर कोई नुकसान पड़ता है। CS फॉर्मुलेशन में होने की वजह से ही किसान भाइयों इसको लगभग सभी दवाओं के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। यह ज़्यादातर दवाओं के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके घोल को किसान भाइयों आप 24 से 48 घंटे बाद तक भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके रिजल्ट में कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, इससे केमिकल की लिंचिंग भी नहीं होती, जिस वजह से लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह थी किसान भाइयों दोनों लैम्डा के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ अब आप अपने प्रयोग के अनुसार सही लैम्डा का चुनाव करेंगे, जिससे आपको पूरा फायदा मिले। धन्यवाद।